शेयर सेंटर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। करंट अफेयर्स का हम ये वीडियो लेकर के आए हैं, जो द हिंदू का हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला हमने वीडियो एक्सप्रेस का डिस्कस करते हैं, और ये दूसरा जो है कि हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कस करते हैं। जो आर्टिकल्स, जो न्यूज एक पेपर में नहीं रहते, उन दूसरे से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जल्द ही हम PIB से भी अपने वीडियोज हम बनाना शुरू करेंगे। आइए यहाँ देखते हैं कि आज जो कि 13 अक्टूबर है, इसका जो है कि 13 अक्टूबर में सबसे इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल IIP। देखिए, हमने एक वीडियो बना रखा है IIP को लेकर के, उसमें कोर इंडस्ट्री के बारे में हमने बात किया। यहाँ पे बस हम हेडलाइन है, अगस्त इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन श्रिंक 0.3% फॉल। देखिए, इसमें क्या होता है, एक इंडेक्स है जिसको जिसको DPIIT जो है कि पब्लिश करता है। दूसरी ये चीज़ है कि ये 8 मेजर इंडस्ट्री होती हैं, इसके पार्ट उन्हीं को 8 कोर इंडस्ट्री करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक होती है, उसको 2 पार्ट में करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग या इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एक हो गई। माइनिंग में देखें, जैसे कोल माइनिंग होती है, गैस माइनिंग होती है, ऑयल होती है। मैन्युफैक्चर क्या होते हैं, गुड्स होते हैं, तो उनको हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देख, ये न्यूज रही, आप अगर उस वीडियो को देखना चाहे तो वहाँ पे ये है कि IIP एंड 8 कोर इंडस्ट्री करके आज उसमें इकोनॉमिक में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, यहाँ पे पुतिन पुतिन से रसिया, यहाँ पे कह रहे हैं कि रसिया, पुतिन मतलब रसिया के प्रेसिडेंट हैं, वो प्रोवाइड गैस वाया नॉर्डिक स्ट्रीम। देखिए, नॉर्डिक क्या है, नॉर्डिक एक कुछ ग्रुप का एक कुछ कंट्री का एक ग्रुप है, जो आप जाएंगे नॉर्डिक, स्कैंडिनेवियन कंट्री, तो ये यूरोपियन की ये कुछ 4-5 कंट्री मिला करके। उसमें ये हुआ था कि एक गैस पाइपलाइन थी, वो लीक कर गई, राइट, लीक कर गई, जिससे मीथेन मीथेन बहुत ज़्यादा रिलीज हो गई और इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो यहाँ पे दो तरह की, आई थिंक दो, एक नॉर्डिक स्ट्रीम 1, नॉर्डिक स्ट्रीम 2, नॉर्डिक स्ट्रीम 2 पाइपलाइन, वो ये खराब हो गई है पहली वाली, तो जो कि दूसरी को ये करते। जैसे हमारा वीडियो है, मैंने जो ऑन द फेस पे पढ़ा रहा था, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, दैट्स वाई आई मैं इधर शिफ्ट कर गया हूँ, फिर उसमें आएंगे। तो ये चीज़ वहाँ पे रही दो, और उसे प्रोवाइड करना है। हम इसको डिटेल में मैप के थ्रू जो है कि मैप के थ्रू हम इसको डिस्कस करेंगे, कैसे, कब, कहाँ, क्या हुआ था, राइट। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम नेक्स्ट आर्टिकल में आते हैं, हमारे नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, देखिए हमने पहले आर्टिकल्स में, पहले वीडियो में भी डिस्कस किया, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका नाम है, देखिए, मेडेन फार्मास्यूटिकल यूनिट। ये आपका पानीपत, पानीपत जो पड़ता है आपका हरियाणा में, हरियाणा में जो पड़ता है, वहाँ पे ये हुआ है कि यहाँ से मैन्युफैक्चर किया गया कुछ ड्रग्स, जो आप गाम्बिया में गया था वहाँ पे ये हुआ है कि कुछ चिल्ड्रेन, जो चिल्ड्रेन की डेथ हो गई, और उस सिरप पे बैन लगा दिया गया है, राइट। WHO एक है ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो रेगुलेट करता सारी चीज़ें। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी का सेटअप किया है, और वो कमेटी जांच करेगी प्रॉब्लम क्या थी। बस हमें इतना पता चाहिए कौन सी कंपनी थी, ऐसे क्वेश्चन जिसे फॉर्मेट होगा इसमें क्या होगा, विच वन फॉलोइंग फार्मास्यूटिकल कंपनी मैन्युफैक्चर द दिस ड्रग्स ड्यू टू सम मिस्टेक, सम चाइल्ड डाई इन द गाम्बिया। दूसरा क्वेश्चन जो पूछ सकता है कि गाम्बिया कहाँ पे पड़ता है। तीसरा क्वेश्चन से पूछ सकता है कि जैसे मैन्युफैक्चर होती हैं उनमें क्या क्या पैरामीटर्स होती हैं। जैसे एक हमारे यहाँ अथॉरिटी है जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर के अंतर्गत आती है, और वो जो है कि रेगुलेट करती है मैन्युफैक्चर को, मेडिसिन को। नेक्स्ट हम आर्टिकल आते हैं, यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे एक एक्ट है हमारे पास जिसको हम कहते हैं आईटी एक्ट, एक्ट 2000। इसमें ये कुछ प्रोविजन किया है कि जैसे हम ये बना रहे हैं, कुछ ऐसे कंटेंट हम पब्लिश करते हैं जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम होती है। हालांकि ऐसा तो संभव सपने भी नहीं है, बट अगर ऐसा कोई करता है तो उसके ऊपर सेडिशन का चार्ज का प्रोविजन है इसमें, आर्टिकल जो आप यहाँ पे 66A देख रहे हैं, ठीक है। उसी के कॉन्टेक्स्ट में लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जो है कि अपने अपील जारी किए हैं। हालांकि ये टेम्प्रोरी होती है, बट इतना आपको पता चले कि IT एक्ट इन्फॉर्मेशन में भी सेडिशन का प्रोविजन। सेडिशन क्या होता है, अगर आप ऐसी कोई एक्टिविटी जो एंटी एंटी नेशनलिज्म के काम पे करते हैं, तो उसको जो है कि आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। नेक्स्ट हम आर्टिकल्स यहाँ पे आते हैं, डिमोनेटाइजेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था, और उसके बाद नेक्स्ट हम आर्टिकल्स पे यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का वो है, उसका हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं वीडियो हमारा जो है, वेट वेट के एक्सप्रेस के बाद नेक्स्ट हम आर्टिकल
है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल्स यहाँ पे देखते हैं। हाँ, काफी इंपॉर्टेंट ही आर्टिकल्स है। देखिए, ये एनिमल्स है और इसका नाम देख सकते हैं, स्लेंडर लॉरिस। ये तमिलनाडु स्टेट में फैला। तमिलनाडु स्टेट ने इनके इनके ही बेसिस पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया है। इसमें ये है कि इनको प्रोटेक्ट किया जाए। अब इनके बारे में देखते हैं क्या है। ये देखिए, IUCN की जो एक लिस्ट होती है, IUCN यहाँ पे लिखा, इसकी एक लिस्ट होती है, उसमें ये इंडेंजर कैटेगरी में आते हैं। और ये प्रे जो कि स्पीसीज है, मतलब बहुत से स्पीसीज इन पे डिपेंडेंट करते हैं और ये सबको जो कि सर्वाइव कर पाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है, बहुत से अच्छे अच्छे स्कीम चला रखे हैं, जैसे कि इसने यहाँ पे कंजर्वेशन के लिए, जैसे पाल्क बे में भी जो कि एक कंजर्वेशन के लिए चला रखा है, किसको, फर्स्ट डुनगोन। देखिए, डुनगोन पे यूपीएससी ने PT में जो IAS का एग्जाम करवाते हैं, IAS का, उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्या ये फुल्ली वेजिटेरियन होते हैं, कौन सी कैटेगरी में होते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं इस चीज़ को। दूसरी ये चीज़ है कि जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है, बहुत से ऐसे इनिशिएटिव लिया, जैसे समझिए कि जो हमारे विट लैंड होते हैं रामसर कन्वेंशन में, 13 13, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, शायद 14 था इसमें जो भी मिस्टेक हो, लेकिन 13 14, मतलब सबसे हाईएस्ट विट लैंड कंजर्वेशन इन द रामसर साइट में तमिलनाडु से आते हैं। नेक्स्ट हम आर्टिकल्स में आते हैं, देखते हैं हमारे के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखते हैं NGT जो कि फाइन लगा रखी है दिल्ली गवर्नमेंट पे, दिल्ली गवर्नमेंट पे, कि आपने अच्छे से डिकम्पोजिशन नहीं किया। NGT के बारे में हमें इतना पता होना चाहिए, NGT क्या है, हमने 2010 के एक्ट में पास किया था। ये एक तरह का स्टेटरी बॉडी है और क्वासी जुडिशरी की आते हैं कि दिल्ली म्यूनिसिपल, ये अगेन की बात, इन्होंने एक एक्टर है लाला की, फिर कर लेते हैं, फिर कंटिन्यू रहा है, ये काफी ये चिंता का विषय है। और गवर्नमेंट को कहीं यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से जिग जैग ये हुआ है, यहाँ पे इस तरह से लेकर के, आप 21 जनवरी से लेकर के आज ये सितंबर, मतलब जनवरी भी फिर आने वाली है 2 महीने में, उसको लेकर के हुआ है। IIP का इनपुट हमने डिस्कस नहीं किया था, आउटपुट, और होम मिनिस्ट्री ने एक लॉन्च कर दिया कि हिंदी वर्जन MBBS बुक। अब देखते हैं क्या होता है आगे, MBBS कौन करता है, क्या करता है, कैसे नहीं करता है। सो इस वीडियो में बस इतना ही, और आगे डिस्कस और करते रहेंगे, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।